जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है कि आज है मेरा बर्थडे, तो आज मैं जा रही हूँ नेल्स लगाने के लिए और रेडी होने के लिए। सो रास्ते में इतनी धूम धमाकेदार बारिश आ गई, सो आप देख ही रहे हो और आपको पता भी होगा शायद मेरे बर्थडे पे कितनी सारी बारिश आई, और आपको देखने को वीडियो में भी मिल रहा है। तो इतनी तो हालत ख़राब हो गई थी। टैक्सी वाले भैया बोले, मैडम क्या कर दिया। इधर से गए हम किले रोड से, फिर किले रोड वाली थी बंद, फिर हम घूम के घोड़ा घाटी के आगे से होके वापस न्यू जो किले वाली रोड बनी ना, वहाँ से हम लोग गए। और अंकल भी इतने परेशान हो गए, बहुत सारे खड्डे हो गए थे और बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ नेल्स लगाने के लिए। सो ये दीदी है जो कि बहुत ही प्यारे नेल आर्ट किए इन्होंने मेरे, जो आपने मेरे वीडियो में देखे भी हैं। सो थैंक यू सो मच दीदी। दीदी का नाम तो अब मेरे को थोड़ा याद नहीं है, बट इनका काम बहुत अच्छा है। और अब मैं जाऊँगी रेडी होने के लिए मेकअप आर्टिस्ट के पास, तो मैंने ड्रेस ले ली और मेरे साथ में है सलोनी, जिसे आप सब जानते हो। और अब मैं पहुंच जाती हूँ और यहाँ पे करेंगे ये दीदी मेरा मेकअप। और ये दीदी हो चुके हैं रेडी, अब ये दीदी मेरे को पहनाएंगे ड्रेस। सो ड्रेस देखो आप। सो ड्रेस मैंने वेयर की है, सो बता देना कि ये दीदी मेरा लुक कैसा करते हैं। तो इसी के बीच में भैया का वीडियो कॉल आ जाता है, तो थोड़ा सा मेरे को रोना आ जाता है क्योंकि आज वो यहाँ पे नहीं है। और वो यहाँ था तब मैंने पहले ही बर्थडे अपना सेलिब्रेट किया था, और वो भी पार्टी घर वालों ने दी थी। वो व्लॉग डालूंगी इसके बाद, वही व्लॉग आएगा उसके बाद, क्यों कुछ अच्छा सा नहीं डालूंगी। तो अब दीदी कर देते हैं मेकअप स्टार्ट। सबसे पहले करते हैं दीदी आई मेकअप। और सो आईलाइनर कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत कम लगाती हूँ। और मेरे कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे ज़रूर होना चाहिए, आप सब मेरे को विश करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों के रिप्लाई दे पाई, कुछ के नहीं दे पाई, उसके लिए सॉरी। बट अब मैं हो जाती हूँ रेडी, सो मैं कैसी लग रही हूँ ये कमेंट में ज़रूर बताना। और अब मैं पहुँच जाती हूँ रिसोर्ट है शिवगढ़ रिसोर्ट, जो आप सब जानते हो बहुत अच्छा रिसोर्ट है, आप भी वहाँ पर जाओ। और मेरे साथ होती है मेरी फ्रेंड और ये जाह्नवी दीदी, प्रियंका, आपको तो पता ही है कि ये सब मेरी दोस्त है। और जाह्नवी दीदी ये मेरी सिस्टर है। और इसी के साथ सलोनी भी थी, और आगे जाके देखा तो गुंजन भी थी, बहुत से फ्रेंड्स आए, दीपिका जी भी आए, तो बहुत अच्छा लगा सबको, थैंक यू। और अब मेरी एंट्री हो जाती है मेरे दोस्तों और बहनों के साथ, तो मेरी एंट्री हो चुकी है। मैं भी एकदम चौंक गई थी, क्योंकि बहुत अच्छा सरप्राइज़ था ये मेरे लिए, और मेरे को मतलब ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए इतनी अच्छी पार्टी रखी जाएगी। सो दीपिका जी हमेशा कहीं पे भी बुलाने पे नहीं जाते, नहीं आते, कहीं घूमने नहीं चलते, बट आज तो दीपिका जी ने भी पहली बार कहना माना है। सो थैंक यू दीपिका जी। और ये है मेरी दीदी, और अब वर्षा दीदी भी मेरे को थोड़ा सा घुमा लेगी। ये तो वीडियो आपने इंस्टाग्राम पर देखा ही होगा, और लाइक भी किया, कमेंट भी किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए मैंने देखा। और ये है मेरे पापा, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और जो मेरे से बहुत प्यार करते हैं। सो आपको पता ही है कि बाप बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। और अनुज मेरे को लेके जाता है और बोलता है कि दीदी मेरे को बलून चाहिए, ये है मेरी क्यूट सी परी जैसी मम्मा, देखो कितना अच्छा लगा। सो गाइस थैंक यू सो मच। ये देखो दीपिका जी और जाह्नवी जी आ जाते हैं, ये बोलते हैं कि चलो भाई डांस करने चलते हैं। अब मैंने कहा यार डांस तो मेरे को थोड़ा आता नहीं है, फिर भी बोले नहीं 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 चलते हैं। तो थोड़ा बहुत तो मैंने भी जाह्नवी जी के साथ डांस किया है। Thank you.
Thank you.
सो गाइस, अब मैं करूँगी केक कट और आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, तो लाइक कमेंट तो बनता है। और अब मैं को दीदी और जीजू केक कटवा रहे हैं। सो आप देख रहे हो दीदी चेहरे पे लगा रहे हैं, बट मैंने कहा नहीं, मेरा लाला पोती मेकअप ख़राब हो जाएगा। फिर इन्होंने मिल के मेरे चेहरे पे लगा लिया केक और अब मैं खिलाऊंगी दीदी को और जीजू को केक। और अब मैं खोलती हूँ अपने गिफ्ट को। ये लेके आए रेखा दीदी, थैंक यू सो मच रेखा जी, बहुत ही प्यारा गिफ्ट लगा। और ये रेड वाली ड्रेस लेके आए दीपिका जी, थैंक यू सो मच। और अशोक भैया लेके आए मेरे लिए प्यारी सी फ्रेम मेरी फोटोज की। और प्रियंका लेके आई ये देखो रिंग, बहुत ही प्यारी रिंग लगी प्रियंका, बीच वाली रिंग है ना प्रियंका की, थैंक यू सो मच। और ये रेखा जी और भी साड़ी वगैरह लेके आए थे। सो आपको मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके बाद मैं लेके आऊंगी कि मेरा भाई मेरे साथ था, इंस्टाग्राम पे कमेंट भी आया कि आपका भाई नहीं है, बाहर गया हुआ है। हाँ मेरा भाई बाहर गया हुआ है, तो नेक्स्ट व्लॉग में मेरा भाई साथ है और हम लोगों ने किया था बर्थडे सेलिब्रेट। और ये गिफ्ट दिया है मेरे को गुंजन ने, थैंक यू सो मच गुंजन, मेरे को पर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं और मैं पर्स के बिना घर से बाहर ही नहीं जाती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छे लगे सबके गिफ्ट। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं गिफ्ट को लेने और देने के रिश्तों में मैं मायने नहीं रखती, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू वेलकम।